एक रास्ता है, हम छोटी माँ से बात कर सकते हैं। क्या बात कर रही हो आप भाभी, निकिता जी खुद गिर गिर की तरह रंग बदलती, हम क्या उससे बात करेंगे। सही कहा तुमने, उन्होंने अपना रंग जरूर बदला है लेकिन अपने असली रंग में आने के लिए उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो चाहे कितनी ही बदल जाए लेकिन सिया के लिए उनके दिल में नफरत जरूर होगी और हमारे लिए हमदर्दी। अब सिया उनकी बहू है, राम की बीवी। अरे बहू ही तो है, बेटी तो नहीं। वो तो बेटे के साथ पैकेज डील में आई है, सो झेलना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं मानता। ठीक है, शर्त लगाते हैं। अगर उन्होंने हमें यहाँ से जाने से लोट लिया तो वो हमारे साथ है, और अगर नहीं लोटा तो वो सिया के साथ है। ठीक है? ठीक है। सचमुच मिस्टर चैटर्जी, बहुत ही लकी हूँ मैं, बेटे के साथ साथ बहू भी मिल गई मुझे। अरे बहू क्या, वो तो मेरी बेटी है। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे। यहाँ तो बिना बात के लोगों ने सास बहू के रिश्ते को बदनाम कर रखा है। सर्वगुण संपन्न यही है हमारी सिया, जैसा नाम वैसे कर्म। बस बहुत तारीफ कर ली मैंने उसकी, कहते हैं ना ज्यादा तारीफ करने से अपनों की भी नजर लग जाती है। अच्छा वीकेंड को क्लब में मिलते हैं। ठीक है बाय। अरे तुम लोग यहाँ कब आए? वो जब आप फोन पर थी तभी। अरे हाँ, मिस्टर चैटर्जी का फोन था, वो अपनी बहू की बहुत बुराई कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि हमारी बहू से अच्छी कोई नहीं, क्यों? ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ। अच्छा कोई काम था? जी वो छोटी माँ बहुत बुली थवल है, माँ और पापा ने वापस नागपुर जाने का फैसला कर लिया है। हाँ सुन के बहुत दुख हुआ। मैंने मिस्टर प्रधान से बात भी की लेकिन वो यहाँ रुकने को तैयार ही नहीं। वही तो छोटी माँ, वो लोग जिद पे आले हुए हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि वो लोग जा ले हैं, अफसोस तो इस बात का है कि वो लोग चाहते थे हम लोग भी उनके साथ वापस नागपुर चले जाएं। अब आप ही बताइए क्या हमारा उनके साथ जाना जरूरी है? छोटी माँ आप तो आजाद ख्यालों की हैं, आप जानती हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उन्हें अपने हिसाब से जीने देना चाहिए, पर ये लोग समझते नहीं छोटी माँ, ये लोग हमें चैन की सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं। अरे हमें इनके साथ नहीं जाना है, आप ही समझाइए ना इन्हें प्लीज। देखो बेटा अगर मैं पुरानी वाली निकिता होती ना तो जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसे ही सोचती। वो तो अच्छा हुआ देर से ही सही, एटलीस्ट जिंदगी के मायने तो समझ में आ गए मुझे। वैसे हमें हमारे समाज का, संस्कारों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो यहाँ माँ बाप बच्चों के बड़े होने के बाद भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो बेटा क्या ये बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करें? तुम्हारे माँ बाप नागपुर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि तुम लोग उनका साथ दो? वैसे हमारे संस्कार तो यही कहते हैं। जी लेकिन हम लोग तो। मैं जानती हूँ बेटा तुम लोग भी यही चाहते हो, है ना? ये तो ना बोल रही है, मतलब हम लोग तो जाना ही होगा, मतलब मैं हिलोई नहीं बन सकूंगी, मेरे सपने तो चत्ता चूल तल दिया। सिया, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? सिया बात क्या है?
सिया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? समझ गया, तुम इसलिए रो रही हो ना क्योंकि मम्मी पापा और बाकी सब लोग नागपुर जा रहे हैं। सिया, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुकना ही नहीं चाहते, और तुम तो अपने पापा को जानती हो ना। नहीं राम, दरअसल बात यह है कि बचपन से लेकर आज तक मैं उनसे दूर नहीं रही हूँ, उनसे अलग नहीं रही हूँ। क्या उनका जाना जरूरी है? जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ, कहिए। कल रात को मैंने आपसे एक बात छेड़ी थी, उसके बारे में कुछ सोचा हमने। विश्वनाथ भाई साहब, मैंने अपना फैसला तो आपको कल रात ही बता दिया था, प्लीज मुझे माफ करिए। आपकी मर्जी, मगर याद रखिएगा कि एक दिन आपको मेरी बहुत याद आएगी और शायद इस बात का एहसास भी होगा कि मुझे आपकी कितनी जरूरत है। विश्वनाथ भाई साहब, मैं जानता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे मेरी बात जरूर सुन रहे होंगे। आज आपका सपना पूरा हो गया है भाई साहब। जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी थी वो पूरी हो गई। आप यही चाहते थे कि आपका परिवार एकजुट हो जाए, रिश्तों की अहमियत को समझे। तो देखिए, आज सारे रिश्ते एक ही बंधन में बंध गए हैं। कभी कभी एक रिश्ता सारे रिश्तों को बांध देता है। आपके बेटे राम ने सारी कड़ियों को जोड़ दिया है भाई साहब। दस्तूर है सिया, और ये बात घर के बड़े ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। जमाना बदल गया है, दस्तूर नहीं बदल सकते क्या? वो दस्तूर ही क्या जो जमाने के साथ बदल जाए? दस्तूर रिवाज नहीं होते, जीने का ढंग होते हैं, और वो बदला नहीं करते। लेकिन अगर इन रिवाजों से किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो? वो वक्त भर देता है सिया। ये बात तो मैं भी जानती हूँ राम, ऐसे मौके पे तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम मुझे समझा रहे हो। तो चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। मम्मी पापा जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और वो बेटी के ससुराल में नहीं रहने की जो बात कर रहे हैं वो सब बकवास है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब तुम ही बताओ सिया, मैं क्या कहूँ? राम, मैं जानती हूँ कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन आई कांट इवन फील बैड अबाउट, मैं रो भी नहीं सकती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हालत में रोते हुए नहीं देख सकता। चलो अब रोना बंद करो, कम ऑन। और वैसे भी अगर मम्मी पापा तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा, बताओ? नहीं ना, बार बार यही चेहरा उनके आंखों के सामने आता रहेगा। कम ऑन, अब तो रोना बंद कर दो। अच्छा प्लीज, प्लीज बोल रहा हूं। माँ घर की बुनियाद होती है, और जिस घर की बुनियाद मजबूत होती है वो घर भी मजबूत होता है। आज निकिता जी को देखकर ऐसा लगता है कि इस घर की बुनियाद मजबूत हो गई है। भाई साहब,
अब ये भी चाहते थे कि हम लोग इसी घर में रहें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अब ये घर मेरी बेटी का ससुराल है और हमारे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम अपनी बेटी के घर में रहें। और रही बात इस घर को हमारे संस्कारों से सींचने की, तो वो मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं भाई साहब। बेटियां मां बाप के संस्कारों का दर्पण होती हैं और मैं तो अपनी बेटी का कन्यादान इस घर में पहले ही कर चुका हूं। अब हमारे बीच जो विश्वास का रिश्ता है और भी मजबूत हो गया है। अब हमें जाना होगा भाई साहब, और मैं आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद इस घर पर हमेशा बना रहे। सब आप मत जाइए सर, आप लोगों का साया है तो ये घर में आबादी है, मत जाइए सर। मैं हाथ जोड़ता हूं, ये सब मत जाइए। अजमेरा, क्या तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि हमारा जाना कितना जरूरी है? हम समझते हैं साहब, लेकिन दिल है ना कि मानता नहीं है। जानता हूं, लेकिन तुम हमें मिलने जरूर आना अजमेरा। जैसे ये घर है ना तुम्हारा, वैसे वो भी तुम्हारा अपना ही घर है, जरूर आना मिलने। जरूर आऊंगा साहब, आप लोगों से जो अपनापन मिला साहब, वो ऐसा लगा हम अनाथ नहीं है साहब। नहीं अजमेरा, इस तरह की बात फिर कभी मत करना। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबका ख्याल रखना, खास तौर पे मेरी सिया का। अगर इतना ही ख्याल है तो आप लोग अपनी बेटी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बेटी, ये तो हम पहले ही तुम्हें समझा चुके हैं। जानती हूँ पापा, जानती हूँ कि ये सारे रिवाज है, लेकिन क्या इन रिवाजों को मानना जरूरी है? हाँ बेटा, जरूरी है। वैसे तो माँ बाप अपनी बेटियों को विदा करते हैं, ये शायद पहली बार ऐसा है कि एक बेटी अपने माँ बाप को विदा कर देती है। बेटी शांत हो जाओ, हमें जाना होगा। प्लीज बेटी, राम समझाओ इसे, शांत हो जाओ बेटी। बेटी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम लोग अपने घर जा रहे हैं, है ना? प्रधान साहब, आप जो कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसे मौकों पर दिल भर ही आता है ना। जानता हूं निकिता जी, लेकिन अब हमारा सिया पर क्या हक? वो तो आपकी अमानत है। प्रधान साहब, चाहे मैं सिया के लिए कुछ भी करूं,
लेकिन मैं उसके माता पिता की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकूंगी। नहीं निकिता माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इतनी देर क्यों हो रही है? बच्चे क्यों नहीं आया अभी तक? आ गए, कहाँ रह गए थे तुम लोग? पापा, हम यहां से जाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? आदित्य तुम बोलो। पापा, हम यहां मुंबई में हमेशा अपने हिसाब से रहे। हम लोग नागपुर तभी जाएंगे अगर आप हमें वादा करें कि आप हमारी लाइफ में वहां इंटरफेयर नहीं करेंगे। आदित्य बेटा, घर में लोग शर्तों पर नहीं रहते हैं। इसका मतलब है आपको हमारी शर्त मंजूर नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, ये मानने वाले नहीं है। क्या है ना, इन बड़ों को दादागिरी दिखाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और इसलिए ये हमें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं ताकि ये हम पर हुक्म चला सके। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम यश? सही तो तेले ही है। बेटे की शादी तल जीते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करते लगना चाहते हैं। अगर बच्चों को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना होता ना, तो आज ये तुम्हारी भाषा नहीं बोल रहा होता। अले शुतल तलो तो ये मेली भाषा बोले हैं। तम से तम आप लोग तो दुलामी थी भाषा नहीं बोले। नंदिनी, अले त्या नंदिनी हा? जिंदगी भर हम दलीबी में रहते रहे, अब जब हम अमीर बन रहे हैं तो आपके दिल पर सांप लौट रहे हैं। नंदिनी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा बचपन बहुत ऐशो आराम से बीता है और हमारे घर आकर तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं तुम्हें अमीर घर से नहीं हूँ। ताने मालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज जब हमारी किस्मत बुलंदी पर है तो आप उसे थोटल मान रही है। बहुत अफसोस है मुझे। मैंने उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी। सोचा था गरीब घर की लड़की लाऊंगी तो सारी बातें समझेगी, इस घर को जोड़ के रखेगी। मैं नहीं जानती थी कि मौके की तलाश में, कि कब पंख फैलाने का मौका मिले उसे। यही तो, मुझे अपने पंख नहीं फैलाने देना चाहती, बस अपने नीचे दबाते लगना चाहती हो। मुद्दे की बात यह है कि आप हमारी शर्त मानेंगे या नहीं? हरगिज नहीं। जब तक मेरे घर में रहोगे मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं जानता था कि यही होगा। क्या जानते थे तुम? हाँ, क्या जानते थे तुम? शर्म आती है मुझे ये सब कहते हुए। अपने दम पर पहले कुछ करो, फिर ये सब बातें करो। हमने अपना हर फर्ज निभाया है, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, किसी लायक बनाया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी हमने, तुम्हारी शादी भी करवाई। तुमने अपने दम पर कुछ किया है, एक पैसा भी कमाया है। ऊपर से तुम्हारी ये बीवी बदतमीजी से हमसे बातें कर रही है और उसका साथ दे रहे हो तुम। और आदित्य, तुम किस मुंह से ये सब बातें कर रहे हो? तुमने तो हमारा घर तक बेच दिया था, मेरी मौत का कारण बनने वाले थे तुम। अफसोस होता है कि मैं मर क्यों नहीं गया। पापा, ये अब क्या कह रहे? हाँ बेटा, जिंदगी का बोझ ढोते हुए शायद माँ बाप के कंधे ना टूटे, लेकिन नालायक बच्चों का बोझ सहन नहीं कर पाते हैं वो। हाँ तो फिर क्यों सहन तले हो ये बोझ? छोड़ क्यों नहीं देते हमें? अरे तो रोका किसने है तुम्हें? हाँ तो क्या तले, विश अंतले आपके नाम 48% जो छोड़ लगता है, आपके पास पावर है इसलिए आप उसका नाजायज फायदा उठा ले। नंदिनी,